दोस्तों चंडीगढ़ सोसायटी फॉर द केयर ऑफ ब्लाइंड भर्ती 2023 लिए अज एक होर फ्रैश नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। बख बख पोस्टा लिए तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। दोस्तों अप्लाई तुसी करना कि मैं कौन कौन अप्लाई कर सकता सारी जानकारी डिटेल च देंगा। कृपा करके वीडियो लास्ट तक जरूर देखियो। दोस्तों जेकर तुसी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो तुसी मेरे चैनल को सबसक्राइब करने के नाल नाल बैल आइकन प्रेस करके छड़ दिओ जी। दोस्तों पंजाब स्टेट भी जो भी कोई नवी भर्ती आए उसकी सही है सटीक जानकारी सब तो पहला तुहानू मिल सके। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पोस्टा लिए पंजाब के मुंडे और कुड़ियां दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जी। अप्लाई करने की लास्ट डेट है जी 20/11/2023 तक तुसी ना पोस्टा लिए अप्लाई कर सकते हो। पंजाब के उम्मीदवारों लिए वधिया मौका आ चुका जी। जो योग उम्मीदवार ने जी अप्लाई जरूर करो जी। चलो दोस्तों आप चलते हैं नोटिफिकेशन के उपर। दोस्तों यदि भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया जी सोसायटी फॉर द केयर ऑफ ब्लाइंड चंडीगढ़ वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। दोस्तों जानकारी चंगी लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने प्यारे मित्रों नाल शेयर जरूर करो जी। दोस्तों तुम मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हो जी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स देता जी। मैं सारी जानकारी उत्थे भी शेयर कर दाँ जी। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सोसायटी फॉर द केयर ऑफ ब्लाइंड सैक्टर 26 चंडीगढ़ में पोस्ट अनाउंसमेंट की गई ने जी। प्लेन पेपर उपर कंप्लीट अपना बायोडाटा संबंधी डॉक्यूमेंट्स उसके नाल लगा के तुसी भेज देना होगा जी। 20/11/2023 तक तुसी भेज देना होगा जी। जो सैलरी तुहानू दित्ती जाएगी 95 ग्रेड इन एड अते नॉन एडड पोस्टा वास्ते दित्ती जाएगी। सैलरी विल पेड अंडर 95 ग्रेड इन एड स्कीम तहत सोसायटी रूल्स के अनुसार तुहानू दित्ती जाएगी। एड्रैस नोट कर लो जिस एड्रैस पर तुसे डॉक्यूमेंट्स भेजने ने जी। सैक्टरी सोसायटी फॉर द केयर ऑफ ब्लाइंड सैक्टर 26 चंडीगढ़ के एड्रैस पर तुसी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने होंगे जी। दोस्तों पोस्ट एंड डिटेल कुछ इस प्रकार है जी। पोस्ट नंबर एक जी प्रिंसीपल की पोस्ट है जी। क्वालिफिकेशन है जी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तुसी कंप्लीट की 50% नंबर 10 साल तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है कंप्यूटर की तुहानू नॉलेज है तो तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। पोस्ट है जी एक। पोस्ट नंबर 2 जी TGT स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है जी सोशल साइंस टीचर की। नैक्सट है जी TGT स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है जी हिंदी की। क्वालिफिकेशन है जी ग्रेजुएशन डिग्री तुसी कंप्लीट की 50% नंबर या बैचलर डिग्री तुसी कंप्लीट की है BEd तुसी पास किया है CTET 2 तुसी क्लीयर किया है कंप्यूटर की तुहानू नॉलेज है तो तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। एक एक पोस्ट अनाउंसमेंट की गई है जी। पोस्ट नंबर 3 जी GBT की पोस्ट है जी स्पेशल एजुकेटर की। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन डिग्री तुसी कंप्लीट की है 2 साल का डिप्लोमा तुसी स्पेशल एजुकेशन का कंप्लीट किया है 50% नंबर CTET तुसी क्लीयर किया है कंप्यूटर आदि तुहानू नॉलेज है तो तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। पोस्ट नंबर 4 जी वार्डन की पोस्ट है फीमेल की। डिप्लोमा तुसी कंप्लीट किया स्पेशल एजुकेशन का तो तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। 2 पोस्टा ने जी। पोस्ट नंबर 5 जी वार्डन मेल की पोस्ट है जी। डिप्लोमा तुसी कंप्लीट किया स्पेशल एजुकेशन का तो तुसी अप्लाई कर सकते हो। 2 पोस्टा ने जी। पोस्ट नंबर 6 जी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है जी BCA डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में तुसी कंप्लीट किया 2 साल तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है तो तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। पोस्टा ने जी 2। पोस्ट नंबर 7 जी पार्ट टाइम काउंसलर की पोस्ट है जी फीमेल की। BA MA इन साइकोलॉजी में तुसी कंप्लीट किया जां डिप्लोमा तुसी गाइडनेंस जां काउंसलिंग में तुसी कंप्लीट किया तो तुसी अप्लाई कर सकोगे। दोस्तों उम्मीद करता मेरे तो वर्ती जानकारी थोड़ी चंगी लगी। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।